ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मेरठ से है, जहां कंकरखेड़ा में प्रिंसिपल की डांट व मारपीट के बाद 12वीं की छात्रा ने घर जाकर पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। घटना के समय छात्रा घर पर अकेली थी। कुछ देर बाद छात्रा की मां घर पहुंची तो घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बिना पुलिस कार्यवाही करे छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया। आज छात्रा के परिजन और सैकड़ों लोग स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। बता दें, अंबेडकर रोड सदनपुरी निवासी शमी अरोड़ा अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी ऋतु अरोड़ा, बेटा कनिष्क व एक बेटी भूमि अरोड़ा भी थी। बेटी भूमि शिवलोकपुरी के एक स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। आरोप है कि बुधवार को छात्रा स्कूल गई थी, जहां स्कूल प्रधानाचार्य ने छात्रा को सबके सामने डांट दिया था। वहीं परिजनों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। इसके बाद छात्रा घर चली गई थी। छात्रा की मां जब देर शाम घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है, जिसके बाद मां ने दीवार से झांक कर देखा तो छात्रा का शव पंखे से लटका हुआ था। बेटी के शव को पंखे से लटका देख मां के होश उड़ गए। शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। परिजन छात्रा को लेकर पास के अस्पताल दौड़े, जहां चिकित्सकों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। वहीं आज परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, आज यहाँ पर इसमें स्कूल के अंदर हंगामा हो रहा है, क्या पूरा मामला है ज्यादा बता दीजिए। सर, मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि मैडम ने उसको चाटे चाटे मारे सारी क्लास के सामने। 3 घंटे से क्लास खाली चल रही है, सब बच्चे लेटे हुए बदतमीजी कर रहे हैं, और वो बस ऐसे बैठी हुई है। तो लड़के को कुछ भी नहीं कहा, और लड़की को ऐसे 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 चाटे मारे, फिर भी वो नीचे जाते हुए सॉरी 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 कर रही है। मैडम, आप चाहे वीडियो में देख लीजिए। सीसीटीवी रिपोर्टिंग देखी गई, देख ली पुलिस वाले। ये देखा गया, उसमें ये देखा गया कि जस्ट वो ऐसे बैठे हुए आराम से, ऐसे कोई बहन भाई भी बैठ सकते हैं, और कोई स्कूल में ये चीजें कॉमन है। दोस्त के बाद अगर आप प्रिंसिपल आई है, 2 घंटे से क्लास खाली पड़ी हुई है, प्रिंसिपल आई है, पीछे से लड़की को कुछ नहीं बोला, लड़की के ऊपर इतनी गंदे तरीके से चाटे मारे पीछे से खड़े होके, पीछे से और उसको पूरी क्लास के सामने उसने जलील कराया, जिसकी वजह से उसको बुरा लगा, और इसी स्कूल के टॉप फ्लोर पे सुसाइड करने वाली थी। 12th क्लास की उसकी फ्रेंड्स ने उसको रोका, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारे को इन्फॉर्म नहीं किया कि स्कूल में ये चीजें हुई है। उसके बाद भी इन लोगों ने उस लड़की को घर पे अकेला भेज दिया, और वो अकेले और वो घर जाके अकेले उसने सुसाइड कर लिया। हम घर में कोई भी नहीं था, हमें अपनी लड़की के लिए जस्टिस चाहिए, और ये स्कूल पहले भी बंद था, और मैं भी यहीं से पास आउट हूँ, और ये इस स्कूल के अंदर पहले से होता आ रहा है ना, इसमें टीचर्स अवेलेबल होते हैं, और इसके अंदर बदतमीजी तो चलती ही रहती है। 2014 से चल रहा है ये। कनिष्क अरोड़ा, मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आकेस प्रधान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।